नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर है डिसीज पर और कौन कौन सी डिसीज होती हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि डिसीज जो है वो हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आपका एमपीपीएससी हो या यूपीएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। साइंस लगातार आप देखेंगे पेपर्स में कि साइंस का इम्पोर्टेंस बढ़ता चला जा रहा है और उसी क्रम में हम लोग आज डिसीज को समझेंगे। डिसीज कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि बैक्टीरियल डिसीज, वायरल डिसीज, फंगल डिसीज, प्रोटोजोअन डिसीज और जेनेटिक डिसीज। तो हम एक एक करके हर एक डिसीज के अंतर्गत कौन कौन सी डिसीज आती हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि आखिर हम जो बोल रहे हैं बैक्टीरियल डिसीज यानी कि जीवाणु जनित रोग, तो ये जीवाणु या बैक्टीरिया होते क्या है। सामान्य रोग से अगर हम देखें तो लोग क्या सोचते हैं, मतलब बैक्टीरिया, कीटाणु, वायरस, कीटाणु, तो ये कीटाणु वाला शब्द जो है ना ठीक है लेकिन स्पेसिफिक नहीं है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, जीवाणु क्या होते हैं। तो सबसे पहली चीज ये है बेटा, ये यूनिसेलुलर है। क्या है ये? यूनिसेलुलर यानी कि यूनि मतलब वन और सेलुलर मतलब कोशिका, यानी कि क्या पाया जाता है इनमें केवल एक ही कोशिका होगी, यूनिसेलुलर जीव है ये। दूसरा ये मोनेरा, आपको मैं जब किंगडम पढ़ाऊंगा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन तो उसमें मैं बताऊंगा कि मोनेरा क्या होता है, तो ये मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्लियर है आप लोगों को ये लगता? ये तो क्या बैक्टीरिया। अब हम दूसरी तरफ बात करते हैं वायरस की। वायरस का हिंदी मीनिंग है विषाणु। विषाणु क्या होते हैं? तो विषाणु बेटा जीवित और अजीवितों के बीच की कड़ी होते हैं, मतलब लिंक बिटवीन, क्या है ये? लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो जीवित और अजीवितों की कड़ी है, इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है और सेल वॉल नहीं पाए जाने के कारण ही वायरस डिसीज पर एंटीबायोटिक कार्य नहीं करती हैं। हम बैक्टीरिया की जो बीमारी होती है उनमें इसीलिए एंटीबायोटिक देते हैं क्योंकि एंटीबायोटिक, सपोज ये एक बैक्टीरिया है, ये इसकी सेल वॉल है और इस सेल वॉल को एंटीबायोटिक तोड़ देते हैं तो इस तरीके से ये बैक्टीरिया मर जाता है। क्लियर है आप लोगों को बैक्टीरिया और वायरस क्या होते हैं। अब हम आते हैं बैक्टीरियल डिसीज पर। तो जीवाणुओं के कारण जो रोग होते हैं वो आपके कहलाते हैं बैक्टीरियल डिसीज। एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल है हमारा ट्यूबरक्लोसिस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस की। अब इन डिसीज में अगर हम प्रीलिम्स के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा पूछा गया है कि जीवाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं, तो आप बता सकते हैं टीबी, टिटेनस, टाइफाइड, ये सब बैक्टीरियल या जीवाणु जनित रोग हैं। टीबी किससे होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, टीबी किससे होता है? तो ये किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो कौन सा बैक्टीरिया बेटा टीबी का? माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है टीबी का बैक्टीरिया होता है। तो सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा कि टीबी किससे होता है, तो टीबी का कॉजिंग एजेंट कौन है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस में बेटा सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? कॉजिंग एजेंट यानी कि इस रोग का कारक, और कारक में हमने अभी देखा था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट जो पॉइंट लेते हैं हम किसी भी डिसीज में वो होता है सिम्टम यानी कि लक्षण। तो इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, फिर हम बात करते हैं बेटा जांच की यानी कि इन्वेस्टिगेशन। तो इसके लिए इन्वेस्टिगेशन कौन कौन से होते हैं, और लास्ट लेंगे हम ट्रीटमेंट यानी कि इसका उपचार।
तो सबसे पहले हमने लिया बेटा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है इसका। और बेटा कोई भी डिसीज अगर आपके एग्जाम में आती है, चाहे वो टीबी हो, टिटेनस हो या टाइफाइड हो, आपको मुख्य परीक्षा में इसी पॉइंट पर लिखना है कि उसका कॉजिंग एजेंट क्या है। फिर हम लक्षणों की बात करें तो अब सामान्यतः आप यहाँ पे एक और चीज जो ऐड कर लीजिए वो है टाइप्स। तो टाइप्स क्यों बताया, क्योंकि टीबी के जो नॉर्मली दो टाइप्स होते हैं, एक होती है पल्मोनरी टीबी, पहली क्या होती है बेटा पल्मोनरी टीबी, और दूसरी होती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। बात की और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी मतलब लंग्स के अलावा जहां कहीं भी टीबी होगी वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के अंतर्गत आएगी, जैसे ब्रेन टीबी, बोन टीबी, ये सब। फिर आते हैं हम लक्षण पर। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से लक्षण आप देखेंगे बेटा, देखिए अगर लंग्स टीबी होगी तो कफ यानी कि खांसी होगी, लेकिन अगर लंग्स टीबी नहीं होगी या कोई अन्य टीबी होगी तो फीवर एक महत्वपूर्ण लक्षण है, यानी कि बुखार आएगा। दूसरा मैंने आपको बताया कि अगर लंग्स टीबी है तो कफ होगा, क्लियर है आप लोगों को। तो फीवर, कफ, वीकनेस मैक्सिमम डिसीज में होती ही है, तो यहाँ पर आप कमजोरी देखेंगे, फटीग यानी कि थकान देखेंगे। तो ये कुछ टीबी के लक्षण आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हम बेटा इन्वेस्टिगेशन की, तो जांच। तो इसके लिए जो जांच होती है, एक तो पहला आप स्पूटम टेस्ट कराते हैं। क्या कराते हैं बेटा, स्पूटम टेस्ट यानी कि बलगम की जांच होती है, और एक्सरे। अगर लंग्स टीबी है तो हम एक्सरे के द्वारा देख सकते हैं कि किस तरीके की और किस स्टेज में टीबी पहुंच चुकी है। और लास्ट है बेटा ट्रीटमेंट, उपचार। तो चूंकि ये बैक्टीरियल डिसीज है इसलिए इसके लिए हम क्या उपचार देंगे, तो एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक जो है इसके लिए एक महत्वपूर्ण उपचार के रूप में काम आती है। आप इन एंटीबायोटिक के नाम भी याद कर सकते हैं, बट जरूरत नहीं है आपके एग्जाम के हिसाब से, इसलिए एंटीबायोटिक आप याद रखिएगा। इसके अलावा आप देखें तो बीसीजी का वैक्सीन भी, शुरू में जब बच्चे पैदा होते हैं तो जन्म के तुरंत बाद बीसीजी का वैक्सीन लगाया जाता है। क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक की बात। तो ट्यूबरक्लोसिस हमने किस तरीके से देखा, इसका कॉजिंग एजेंट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, टाइप्स पल्मोनरी टीबी एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, सिम्टम फीवर, कफ एंड वीकनेस। और इसके बाद इन्वेस्टिगेशन, तो हमने एक स्पूटम टेस्ट कराया, एक्सरे कराया, ब्लड टेस्ट भी कराते हैं हम इसमें, और ट्रीटमेंट के रूप में हम एंटीबायोटिक देते हैं, और वैक्सीन की बात करते हैं तो बीसीजी का टीका जो है वो जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है। तो इस तरीके से हमने बेटा देख लिया आपका बैक्टीरियल डिजीज में पहली ट्यूबरक्लोसिस। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में टिटेनस, टाइफाइड और अन्य बैक्टीरियल डिजीजेस को देखेंगे। थैंक यू।